हे गाइस, आई वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी ऑन ड्यूटी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में आप लोगों को टू वेज टू टॉप मैसी बन हेयर स्टाइल बनाना बताऊंगी। ऑल्सो इस हेयर स्टाइल में हम कोई भी बॉबी पिन या यूपिन का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली रबर बैंड का यूज़ करेंगे। मानसून के लिए परफेक्ट हेयर स्टाइल है, सो आप इसे मानसून स्पेशल हेयर स्टाइल बोल सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर को डिटेंगल करते हुए हाई पोनी करनी है एंड राइट हैंड से पोनी को होल्ड करना है एंड लेफ्ट हैंड से रबर बैंड को स्ट्रेच करते हुए पोनी को फ्रंट की तरफ लाते हुए हेयर के साथ साथ रबर बैंड को ट्विस्ट करते हुए रबर बैंड को पोनी में सिक्योर करना है। गाइस, इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, वीडियो में मैं जैसा कर रही हूँ सेम उसी तरह आपको भी करना है। गाइस, यहाँ पर मेरा रबर बैंड लूज है तो इसे मैं दूसरी बार भी अपने बन को सिक्योर करूँगी। अगर आपका रबर बैंड टाइट है तो आपको इसे दोबारा सिक्योर करने की नीड नहीं होगी। अब जिन हेयर को रबर बैंड से ट्विस्ट करते हुए सिक्योर किया था उसे लाइट हैंड से पुल आउट करना है। इस वीडियो में मैंने इस बन को बनाने के लिए दो तरीके बताए हैं, लगभग दोनों बन सेम हैं, बस 19-20 का फ़र्क है। अब जो हेयर है उसे फ्रंट की तरफ लाते हुए लाइट हैंड से ट्विस्ट करना है एंड रबर बैंड में अंदर की तरफ डालते हुए बाहर की तरफ निकालना है एंड अगेन उसे लाइट हैंड से पुल आउट करना है। वीडियो में आप देख सकते हैं मैं किस तरह से करी, सेम इसी तरह आपको भी करना है। पुल आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दिस बन। इसके बाद जो छोटा सा हेयर बचा हुआ है उसे अगेन रबर बैंड में अंदर की तरफ डालते हुए बाहर की ओर निकालना है, जैसे कि हमने पहले किया था। इस बन को बनाने के लिए आपको बॉबी पिन या यूपिन की नीड नहीं होगी, फिर भी अगर आपके हेयर इधर उधर से निकलते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं एज यू लाइक। अब मैं फ्रंट से एंड बन के चारों तरफ से फिंगर की हेल्प से हेयर को स्ट्रेच करूंगी ताकि पुफ जैसा लुक आए एंड या दिस इज डन। सो गाइस, वीडियो में आगे मैं आप लोगों को एक और बन बनाना बताऊंगी डिफरेंट वेज में, वो भी बहुत सिंपल एंड इजी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन हेयर को डिटेंगल करने के बाद हाई पुनी करनी है एंड लास्ट वाला जो रबर बैंड का रैप है उसमें से थोड़े से हेयर को निकालना है। वीडियो में आप देख सकते हैं मैं किस तरह से करी, सेम इसी तरह आपको भी करना है। अब जो हमने हेयर निकाले थे उसको लाइट हैंड से पुल करना है और जो हमारे फ्रंट की तरफ बचे हुए हेयर हैं उसे ट्विस्ट करते हुए रबर बैंड में अंदर की तरफ डालना है एंड बाहर की ओर निकालना है, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले बन में किया था, सेम उसी तरह करना है। गाइस, आप सबको जैसे कि पता है कि अभी मानसून है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, धूप निकल आती है, जिसके कारण स्वेट आ जाता है और इस टाइम पे ब्रिड बनाना हमें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है एंड ब्रिड के साथ हम अपने लुक को स्टाइलिश नहीं दिखा सकते हैं। इस हेयर स्टाइल को मानसून स्पेशल हेयर स्टाइल इसलिए मैंने बोला क्योंकि मानसून के लिए एकदम परफेक्ट हेयर स्टाइल है। ऑल्सो इस हेयर स्टाइल के साथ आपने इंडियन या वेस्टर्न कुछ भी वेयर किया है आप अपने लुक को स्टाइलिश दिखा सकते हैं एंड इस हेयर स्टाइल को जिन गर्ल्स के बालों की लेंथ मीडियम टू लॉन्ग एंड शॉर्ट है वो भी कर सकती हैं एंड वो भी इस हेयर स्टाइल के साथ अपने लुक को स्टाइलिश दिखा सकती हैं। गाइस, दोनों हेयर स्टाइल में पुल आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने पहले कहा था। अब फ्रंट में एंड बैक साइड में फिंगर की हेल्प से लाइट हैंड से स्ट्रेच करना है। फ्रंट में स्ट्रेच इसलिए करना है ताकि पुफ जैसा लुक आए। सो गाइस, यहाँ पर हमारी सेकंड हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगी, फर्स्ट या सेकंड, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो। डू शेयर विथ फ्रेंड्स एंड